Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फेस की कॉन्ट्रोलिंग कैसे कर सकते हो, फेस को शेप कैसे दे सकते हो, फेस को स्लिम कैसे दिखा सकते हो. इसे फेस कटिंग भी कहते हैं, कई लोग कॉन्ट्रोलिंग कहते हैं, जो भी आप कह लो, जो भी आप समझ लो. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी. बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो प्लीज़ ध्यान से देखिए एक स्टेप कि आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है. सपोज अगर आपके चबी चिक्स हैं तो आप अपने चिक्स को बिल्कुल स्लिम कैसे दिखा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि क्या क्या हम कॉन्ट्रोलिंग में किस किस तरीके से अपने फेस को अलग अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग मतलब पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, तो जैसे अगर आपके चबी चिक्स हैं तो आप उनको बिल्कुल स्लिम दिखा सकते हो. अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रोलिंग करने के बाद आपका ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जो डबल चिन है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है. ये एक ऐसा शेडो क्रिएट करता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि सामने वाला जब आपको देखता है तो उसे लगता है कि डबल चिन है ही नहीं. ओके, तो इस तरीके से. या फिर अगर आपकी नोज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको शार्प नोज़ दिखाने के लिए आप कंट्रोल करते हो. या फिर आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको अगर आपको छोटा दिखाना हो तो उसके लिए भी कंट्रोलिंग की जाती है. ओके, सो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से कंट्रोल करना है. एंड या सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइस, कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर मैं NYBAE की जो कंट्रोलिंग स्टिक है वो यूज़ कर रही हूँ. इसमें जो मेरा शेड है वो है टॉफी NYBFCS6, टॉफी 6 है. तो अगर आपका जो कलर है शेड मेरे जैसा है कलर टोन, तो आपको ये वाला जो शेड है इसमें वो परफेक्ट मैच होगा. ओके, तो आप लोग देख सकते हो लिपस्टिक काइंड ऑफ में आता है. एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस तरीके की जो पैकेजिंग होती है ना लिपस्टिक जैसी, तो इसमें आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. तो बाकी वो पैलेट्स में भी आते हैं लेकिन उसमें मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये काफ़ी हैंडी होता है और काफ़ी अच्छे से लग जाता है. सो चलिए सबसे फर्स्ट हम करेंगे अपने चिक्स को शेप देंगे जो है वो स्लिम दिखाएंगे. ओके, तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि कई लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से कर देते हैं, लाइन बना देते हैं, मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रोल करते हैं. कभी भी इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होती है कॉन्ट्रोलिंग, उसको हल्का सा एक स्लांट पोजिशन देना होती है, तो वो एक ज़्यादा अच्छा मतलब एक इल्यूजन बनकर आता है. सो गाइज ऑलवेज डू लाइक दैट पोजिशन. ओके, और इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से ही पोजिशन होनी चाहिए इसकी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी. सो गाइज चिक्स के जो हॉलोज होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना है. सो मेरे जो चिक्स के हॉलोज हैं वो लाइक दैट इस तरीके से हैं. You can see. ओके, एंड इसे लगाते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, जहां ये आईज का जो लास्ट पॉइंट होता है वहीं तक आपका ये जो इसका लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रोलिंग के चिक्स का, वहीं तक आपने इसे फॉलो करना है. ज्यादा नीचे तक लाओगे माउथ तक तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा. सो ये हमेशा याद रखना है आपने. ओके, सो इस साइड भी हम कर लेंगे. सो गाइज सेम हम इस साइड भी वैसे ही फॉलो करेंगे. और आप लोगों को अगर हॉलो समझ नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप जैसे पाउट करोगे इस तरीके से तो एक शार्प सी आप देखोगे लाइन बनती हुई नजर आएगी आप लोगों को. ओके, तो इस तरीके से ट्राई करना है आपने. सो गाइज ये तो हो गई चिक्स की कॉन्ट्रोलिंग, हम इसे ब्लेंड साथ में ही करेंगे. अब हम लोग कर लेते हैं जॉ लाइन, जो हमारे डबल चिन है उसे हम लोग कैसे हाइड करेंगे, तो वो वाली हम लोग स्टेप देख लेते हैं. सो इस तरीके से आपने करना है, यहां से आपने स्टार्ट करना है. ओके, यू कैन सी. सो गाइज देखा आप लोगों ने, इस तरीके से हम अपने चिन को हाइड करेंगे. तो ये हमारा जॉ लाइन के यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये काफ़ी आसान है. ओके, नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप अपनी नोज़ को अगर बिल्कुल स्लिम दिखाना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो. ओके,
सो आपने क्या करना है, इस तरीके से दो लाइंस बनानी है आजू बाजू से, बिल्कुल इस तरीके से। देखा, इस तरीके से आपने बिल्कुल पतली सी लाइन बनाना है, तो इस तरीके से आपकी नोज की कॉन्टोरिंग हो जाएगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं फोरहेड की ओर। मेरा फोरहेड जो है वो इतना भी बड़ा नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू गाइज कि किस तरीके से आप अपने फोरहेड को छोटा दिखा सकते हो। मेरा ऑलरेडी बहुत छोटा है। सो गाइज यू कैन सी, इस तरीके से आप अपने फोरहेड को छोटा दिखा सकते हो। ओके, सो गाइज अब बारी आती है इसे ब्लेंड करने की। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जो जॉ लाइन की यहाँ पे जो हमने कॉन्टोरिंग की है उसे हम लोग ब्लेंड करेंगे। इसे ब्लेंड करने का अलग तरीका होता है। तो आपने क्या करना है, जो जॉ लाइन होती है उसे इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में आपने इसे ब्लेंड करना है। ओके, बिल्कुल भी ऊपर की ओर या फिर इस तरीके से ऊपर नहीं करना है, आपने नीचे नीचे ही इस तरीके से ब्लेंड करना है। सो गाइज यू कैन सी यहाँ का मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। अब बारी आती है चिक्स की। ओके, तो इसे मैं हल्का सा स्क्वीज करूंगी, देन उसके बाद इसे ब्लेंड करूंगी। इसे ब्लेंड करते वक्त आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्रश को मूव करना है। ओके, सो गाइज चिक्स तो हो गए हैं, अब बारी आती है नोज की। ओके, तो नोज के लिए मैं ये इस टाइप का एक ब्रश ले रही हूँ, और इसमें भी आपने सेम थिंग, आपने इस साइड बीच में नहीं लाना है कॉन्टोर को, आपने इस साइड से इस तरीके से आपने ब्रश को मूव करना है। ओके, सो यू कैन सी गाइज, देखा आप लोगों ने इस तरीके से हमने नोज की कॉन्टोरिंग करना है। अब हम लोग जो है फोरहेड को, फोरहेड पे जो कॉन्टोर किया है उसे हम ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंड लाइक दैट पोजिशन। ओके, तो इस तरीके से ऊपर के साइड करना है, या फिर ऐसे कर सकते हो, नीचे नहीं आने देना है बिल्कुल भी। सो गाइज देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने कॉन्टोरिंग की। कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं यार, एक बार खराब होगा, दो बार खराब होगा, लेकिन जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके, ये जो कॉन्टोर स्टिक है NYB की, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज ये बहुत ही सस्ती आती है। आई थिंक 90 or 95 rupees का कुछ आती है ये स्टिक। तो अगर आप सीख रहे हो या नहीं भी, अगर आप अच्छे भी, अच्छे खासे मेकअप आपको आता भी है, तो भी ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ तो कुछ ऐसे ही खराब प्रोडक्ट है, नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्रीमी है। तो आप इससे बहुत ही आसानी से आपका जो कॉन्टोरिंग है वो हो जाता है, एंड काफ़ी हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। तो मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ से ले क्या करें, तो ये purple.com से मैंने परचेज किया था। आप लोग अगर चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग इसे ले सकते हो। सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड डेफिनेटली सिर्फ कॉन्टोरिंग करने से ही आपका जो फेस है वो स्लिम ट्रिम नहीं लगता है, आपको इसके लिए हाईलाइटिंग भी करना पड़ती है। अगर आप लोग हाईलाइटिंग कैसे करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना
देखना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं आप लोगों को जरूर, अगर आप लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज दीदी बताइए कि हाइलाइटिंग कैसे करते हैं, तो मैं जरूर आप लोगों से वो वाला वीडियो भी शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि बिगनर्स बहुत आसानी से सीख सके। ओके, तो गाइज अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। किस तरीके से कॉन्टोर करना है ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ही धीरे धीरे मैंने आप लोगों को सिखाया है। पसंद आया हो सो प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो गाइज चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।